अमेरिका के किसानों को गेहूं के लिए कितना दाम मिलता होगा, चाइना के किसान एक महीने का कितना कमाते होंगे, ऐसे ही हैरतअंगेज एग्रीकल्चर फैक्ट्स की आज हम बात करेंगे। दोस्तों, कहने को तो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के किसानों की हालत किससे छुपी नहीं है। तो अमेरिका जो एक विकसित राष्ट्र है, वहाँ किसानों के क्या हालचाल है। वैसे मुझे ये लगता है, अगर हमारे भारतीय किसानों को उनकी फसल के लिए सही मूल्य मिले तो हमारे किसान भाई भी ऐसी ट्रैक्टर में घूमेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि गेहूं, धान और कपास की सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों में किसानों को उनकी उपज का कितना मूल्य मिलता है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं का। चाइना, इंडिया, रशिया, अमेरिका और कनाडा, ये पांच ऐसे देश हैं जहां पर गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इन देशों में गेहूं का कितना उत्पादन होता है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। उसी के आगे जो कीमत है वो प्रति टन की है, जो वो देश अपने किसान भाइयों के लिए देते हैं। शुरुआत करते हैं चाइना से, क्योंकि वो लिस्ट में अव्वल स्थान पर है। चाइना की वस्तुएं भले ही सस्ती मिलती हो, लेकिन गेहूं की कीमत किसानों को काफी ज्यादा मिलती है। 25,598 प्रति टन के हिसाब से, यानी एक किलो के लिए लगभग 25.50 रुपए। तुलना करेंगे अगर इंडिया से, तो हमारे यहाँ गेहूं के लिए सरकार ने MSP निर्धारित की है 19.75 रुपए। चाइना की भी जो प्राइस बताई गई है वो वहाँ पर बेस्ट प्राइस है। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया में भी आपको लगभग 16 रुपए मिलते हैं। अमेरिका में गेहूं का दाम किसान भाइयों को मिलता है 15 रुपए लगभग, तो वहीं कनाडा में मिलता है 14 रुपए। ये पूरी जानकारी है साल 2020 की। वहाँ की कीमत हमने हमारे रुपए में कन्वर्ट की है, जिसके सारे यूनिट्स आप नीचे देख सकते हो। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि हमारे इंडियन किसानों को काफी ज्यादा कम प्राइसिंग मिल रही है, लेकिन ये भी हो सकता है चाइना की एक किलो गेहूं उगाने के लिए जितना खर्च है, मतलब उत्पादन खर्च, वो काफी कम हो मेकनाइजेशन की वजह से। वहीं इंडिया में आज भी मेकनाइजेशन काफी कम है, उसकी वजह से हमारा उत्पादन खर्च ज्यादा होता, ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा। बढ़ते हैं राइस की तरफ। राइस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाने वाला क्रॉप है, और राइस लगभग हर कॉन्टिनेंट में उगाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अब इसमें भी अव्वल स्थान पर है चाइना, उसके बाद है इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम। वैसे चाइना की खेती के बारे में आपको एक फैक्ट बताते हैं। चाइना के पास दुनिया में उपलब्ध एरिएबल लैंड की 7% लैंड उपलब्ध है, जिसमें से वो विश्व के 22% लोगों को खाना खिलाते हैं। वैसे और एक महत्व की बात आपको बताएं, सबसे ज्यादा एरियल लैंड उपलब्ध है यूनाइटेड स्टेट्स के पास, उसके बाद है इंडिया के पास, उसके बाद है रशिया के पास, और उसके बाद है चाइना के पास। मतलब अगर चाइना के पास 7% है, तो भाई हमारे पास 10-11% तो जरूर होगी, लेकिन फिर भी हम अव्वल स्थान पर नहीं है। इसका यही कारण है जो मैंने पहले बताया, मेकनाइजेशन की कमी। तो देखते हैं कैसे चाइना ने राइस प्रोडक्शन में भी टॉप किया है, क्या प्राइसिंग वो अपने किसानों को देते हैं। चाइना में नॉर्मल क्वालिटी का जो राइस है वो बिकता है लगभग 27,434 टन के हिसाब से, यानी लगभग 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। अब इंडिया में जो MSP निर्धारित की गई है वो है 18.68 रुपए। वही इंडोनेशिया में ये बिकता है 38,761 पर टन, बांग्लादेश में ये बिकता है 30,000 रुपए पर टन, तो वही वियतनाम में है 35,555 पर टन। यही कारण है कि पिछले साल वियतनाम बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट किया गया था। वैसे बताना चाहेंगे कि इंडिया के राइस की क्वालिटी भी एवरेज होती है। दोस्तों, चाइना कई सारे प्रोडक्शंस में अव्वल होने के कई सारे कारण हैं। चाइना ने एक डायरेक्ट सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों को उनके फार्म साइज के हिसाब से सब्सिडी देते हैं, यानी कि अगर आपके पास 1 एकड़ खेती है तो उस हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। और चाइना में एक नॉर्मल किसान लगभग 9,370 युआन की कमाई करता है हर महीने, यानी कि हमारे इंडिया के पैसों के हिसाब से ये होना चाहिए लगभग 1 लाख के आसपास। और इसका कारण क्या है, क्यों वहाँ के फार्मर्स ज़्यादा खेती करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहाँ के जो फार्मर्स है उनका खुद का लैंड नहीं है, मतलब वो ज़मीन अपने नाम पर नहीं कर सकते, वो पूरी जो ज़मीन है वो सरकार के नाम पर है, वो वहाँ पर एज अ एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी है। पॉजिटिव साइड की बात यह है कि किसान भाई ज़्यादा मेहनत करके काम करते हैं,
अच्छा प्रोडक्शन निकालने की कोशिश की जाती है, जिससे देश का और किसान भाइयों का दोनों का विकास होता है। बढ़ते हैं कॉटन की तरफ। दोस्तों, कॉटन एक ऐसा क्रॉप है जहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील और पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो प्राइसिंग ली गई है वो इंडिया में अभी फिलहाल ऑफर की जाने वाली MSP यानी बेस प्राइस है। इससे ज्यादा दाम पर भी कई राज्यों में अभी कपास खरीदा जा रहा है किसान भाइयों से, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइए। कौन से देश में कितना प्रोडक्शन हुआ वो तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। इंडिया की बात करें तो 55,150 पर टन के हिसाब से बिक रहा है। केजी में बात करेंगे 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। वही बात करें चाइना की तो चाइना में कॉटन बिक रहा है 174 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। यूनाइटेड स्टेट्स में है 133 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ब्राज़ील में है 122, पाकिस्तान में है 140। तो अगर कॉटन के बारे में हम बात करते हैं ना, इंडिया में हमें काफ़ी कम प्राइसिंग ऑफर की जाती है। कीमतें काफ़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मल क्वालिटी की बेस्ट प्राइजेस की बात कर रहे हैं। तो एक औसतन किसान जो इंडिया में फार्मिंग का काम करता है वो हर महीने लगभग 6,500 रुपये की कमाई करता है, लगभग, जो कि काफ़ी कम अमाउंट है। और ये दिखाता है कि हम कृषि क्षेत्र में अभी भी पिछड़े हुए हैं। हाँ, हम प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, सभी चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ाने की। इसी में सरकार जुटी हुई है, वो कितना सफल हुई नहीं हुई इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर बात चली रही है किसान भाइयों की आय बढ़ाने की, तो हम आपको बता दें कि इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में दुनिया में 9वें स्थान पर है, जबकि प्रोडक्शन में कई सारे क्षेत्रों में वो पहले, दूसरे या फिर तीसरे स्थानों में आ जाता है। तो जब भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे किसान भाइयों को अच्छी प्राइसिंग मिलेगी। बात करें अगर USA के फार्मर्स के बारे में, तो आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि एक अमेरिकन फार्मर के पास ऑन एन एवरेज 435 एकड़ खेती होती है। जी हाँ, 435 एकड़ खेती। इसी की वजह से उनके यहाँ पर बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, बड़े इम्प्लीमेंट्स उनको लेने पड़ते हैं, क्योंकि भैया इतनी बड़ी खेती मजदूरों के मदद से तो नहीं कर सकते। वैसे आपको बताना चाहेंगे, USA के टोटल पॉपुलेशन से सिर्फ 2% लोग खेती करते हैं। वैसे आपको बता दें कि एक टिपिकल अमेरिकन फार्मर महीने का लगभग $34,000 कमाई करता है। जी हाँ, सुनने में शायद अजीब लगे और ज़्यादा भी लगे, लेकिन हाँ, ये फैक्ट है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको गेहूं, धान तथा कपास की कीमतें अलग अलग देशों में क्या है इसके बारे में सही जानकारी मिल गई होगी। वीडियो में बताई गई सारी जानकारी हमने वेरीफाई करके दी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय कृषि में सुधार होने के लिए कौन से कदम सबसे पहले उठाने चाहिए, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताना। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मॉडिफाइड थॉट्स चैनल को ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन युवा किसानों के साथ जो खेती में अपना करियर बनाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।